वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। एक बार को इमेजिन करो, आप गए सैलून पूरे मूड से कि आज मुझे कोई हेयर ट्रीटमेंट कराना है, बड़ा डैमेज हो गया मेरे बालों पे। आपने जाके हेयर ड्रेसर को बोला, भैया मैं रिबॉन्डिंग कराऊं, स्मूदनिंग कराऊं या कराऊं केराटिन। वो लेकर आए, नहीं आपने तीनों ही नहीं कराने, आपने कराना है बोटॉक्स। इस वक्त बोटॉक्स रहता है सबसे बेस्ट। फिर आप हो जाते हो कंफ्यूज। ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं, ये जो ट्रीटमेंट है ना, केराटिन और बोटॉक्स बहुत ज्यादा सिमिलर है। बोटॉक्स आजकल थोड़ा नया ट्रीटमेंट आ गया है। दोनों का पर्पस यही होता है, आपके बालों को डीप कंडीशनिंग दे, कोई भी डैमेज आपके बालों में उसको प्रॉपरली रिपेयर करे, हल्का फुल्का बालों को सीधा भी करता है। बेसिकली कहा जाए स्प्लिट एंड्स दूर करेगा, फ्रिज दूर करेगा, आपके बालों में बढ़िया वाली शाइन ऐड करेगा। तो आपने कहा चलो मैं बोटॉक्स ही करवा लेती हूँ, ज्यादा बढ़िया है बोटॉक्स। फिर जब बात आती है प्राइस की, तो दिमाग घूम सा जाता है कि प्राइस तो बहुत ज्यादा है बोटॉक्स का, इतना तो मेरा बजट ही नहीं है। बट फिर किसी तरह वो आपको कन्विंस करेगा कि नहीं बोटॉक्स ही करवाओ। मैं आपको बताऊं, मेरा ना एक फ्रेंड है, उसका खुद का सैलून है। मैंने उनसे पूछा कि बोटॉक्स और केराटिन में आप लोग क्या फर्क करते हो। उसने पता है मुझे क्या जवाब दिया कि एक्स्ट्रा चार्ज लेने का तरीका है बोटॉक्स में। ये नहीं कह रहा हर सैलून में यही होता है, बट 95% सैलून में यही होता है, ट्रीटमेंट वही होता है केराटिन पर। आपको बोटॉक्स का नाम बोलकर उसके ज्यादा चार्जेस ले लिए जाते हैं। तो आप इस ट्रैप में बिल्कुल भी ना पड़े। या तो करवा रहे हैं तो अपने सामने देखें कि प्रोडक्ट क्या डिफरेंस है, अच्छे से समझें फिर ही कराएं। बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो हम बैठे हैं ना उसके लिए, हम आपके लेकर आए एक होम ट्रीटमेंट जो आपको बोटॉक्स वाला रिजल्ट देगा घर बैठे बैठे। इसके अलावा एक फायदा और बताता हूं, जब आप बोटॉक्स केराटिन या स्मूदनिंग या कोई भी हेयर ट्रीटमेंट कराते हो, उसके बाद आपको उसको रिपेयर करने के लिए बहुत से शैम्पूज, मास्क लेने पड़ते हैं, सीरम्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज एक आर्टिफिशियल लेयर लगी है आपके बालों पे। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको शैम्पू और मास्क तो बदलना ही पड़ेगा। बट जो हमारा ट्रीटमेंट है, इसके लिए कोई शैम्पू बदलने की जरूरत नहीं है, ना उस वक्त का खर्चा होगा ना उसकी मेंटेनेंस का खर्चा होगा। तो बिना सोचे ये बोटॉक्स या केराटिन कराने का प्लान को करो कैंसिल, और हमारा वाला ट्रीटमेंट एक बार ट्राई कर देखो। एंड यकीन मानो, आपको कोई केराटिन कोई बोटॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपको ऐसा रिजल्ट देगा, आपके बालों को स्मूथ कर देगा, फ्रिज फ्री कर देगा, बढ़िया वाली शाइन ऐड करेगा, डैंड्रफ को दूर करेगा, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। बेसिकली कहा जाए कंप्लीट प्रोटीन ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए। जो एक बोटॉक्स होता है ना, डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, वही एग्जैक्टली ये काम करेगा आपके बालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं बेस्ट बोटॉक्स ट्रीटमेंट एट होम। सबसे पहले आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। मैं पहले आपको बताऊंगा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेकिंग की तरफ। कुछ बीच में प्रिकॉशंस होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इंग्रेडिएंट नंबर वन, बनाना। बनाना जो होता है ना, उसमें बहुत से विटामिंस होते हैं जो आपके बालों को जबरदस्त हाइड्रेशन देते हैं और सॉफ्टन अप करते हैं, आपके बालों को बहुत ज्यादा मैनेजेबल बनाते हैं। आपने देखा होगा आजकल ये बनाना शैम्पू का ट्रेंड बड़ा चल गया है, काफी ब्रांड निकालने लग गए हैं बनाना शैम्पू। उसका रीजन ये है, उसके बाद ना बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा बनाना आपके बालों को स्ट्रेंथन अप भी करता है और डैंड्रफ पे भी वर्क करता है। अगर आप सिर्फ बनाना को मैश कर अपने बालों में लगा लो ना एज अ नेचुरल हेयर मास्क, वो बहुत ज्यादा स्मूथ करेगा आपके बालों को और बहुत ज्यादा मैनेजेबल बनाएगा। इंग्रेडिएंट नंबर टू, एग वाइट। आपने देखा होगा जो आजकल शैम्पू या कंडीशनर हम यूज करते हैं, वो हमारे बालों का ना नेचुरल ऑयल खींच लेते हैं। तो जो एग वाइट होता है ना, वो खोया हुआ मॉइस्चर आपके बालों में देने का काम करता है। एग वाइट के अंदर होता है बायोटिन एंड प्रोटीन, जो आपके बालों को जबरदस्त नरिशमेंट देने का काम करता है। वो एक कंप्लीट प्रोटीन ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए। अगेन, आप एग वाइट को भी बनाना की तरह, अगर आप सिर्फ एग वाइट निकालो और अपने बालों पे लगा लो ना, वो सुपर कंडीशनिंग देने का काम करेगा आपके बालों में। एक कंप्लीट प्रोटीन ट्रीटमेंट, हल्का फुल्का बालों को स्ट्रेटन अप भी करता है और स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है। ट्रीटमेंट नंबर थ्री, कर्ड या फिर कहें दही, आपको बहुत आराम से आपके घर पे मिल जाएगी, बट वो बहुत बेनिफिशियल होती है हमारे बालों के लिए भी। कर्ड के अंदर होता है फैटी एसिड्स, जो आपके बालों को जबरदस्त नरिशमेंट देने का काम करता है, बढ़िया वाली शाइन ऐड करता है। साथ में उसमें होता है बहुत सा प्रोटीन, जो आपके बालों में डैंड्रफ दूर करता है, इचिंग दूर करता है, जो बहुत ज्यादा परेशान करती है, स्प्लिट एंड्स हो गए, फ्रिज हो गए, ये हर चीज को दूर करने का काम करता है। आप कर्ड को भी अलग से अपने बालों पे लगा सकते हो फॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट। और जब आप सोचो हमने जो इंग्रेडिएंट बताए अलग अलग इतना फायदा देते हैं, तो जब ये मिलेंगे तो कितना अमेजिंग हो जाएंगे आपके बालों के लिए। इंग्रेडिएंट नंबर फोर, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर होता है विटामिन ई, जो हमारे बालों को स्ट्रेंथन अप करने का काम करता है, बहुत बढ़िया शाइन ऐड करता है, हमारे बालों को मैनेजेबल बनाता है, साथ में हेयर ग्रोथ बूस्ट करने का काम करता है। ऑलिव ऑयल को आप नॉर्मली भी लगा सकते हो, रात में ऑयलिंग की और सुबह आपने वॉश कर दिया, वो हमारे बालों को बहुत स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है, बहुत जबरदस्त कंडीशनिंग करने का काम करता है हमारे बालों के लिए। एंड फाइनली इंग्रेडिएंट नंबर फाइव, हनी।
हनी को हम लोग बहुत पसंद करते हैं, उसका मेन रीजन है उसकी स्वीटनेस और वो जो फ्लोरल से नोट्स होते हैं उसमें, बट वो हमारे बालों के लिए भी वंडर्स कर सकती है, स्किन के लिए भी बहुत अमेजिंग रहती है। अगर आप हनी को लगाओ, वो एक कमाल का कंडीशनर है। हनी एक इमोलियंट होती है जो जबरदस्त हाइड्रेशन देती है आपके बालों को, स्मूथन करती है, मैनेजेबल बनाती है, आपके स्कैल्प को क्लींस भी करती है और स्कैल्प की हेल्थ भी इंप्रूव करने का काम करती है। साथ साथ जो हमारा केराटिन वाला मास्क रेडी हो रहा है उसका टेक्सचर बहुत अमेजिंग कर देता है हनी। अब जब आप सारे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स जान चुके हो, सीधा आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको एक मिक्सर चाहिए होगा। मिक्सर में आपने डालने हैं 8 चम्मच दही और 1 केले को छोटे छोटे पीसेस में कट कर उसके अंदर डाल दो। अब आपने मिक्सर को प्रॉपरली रन करना, एक स्मूथ सा आपका पेस्ट रेडी हो जाएगा। उस पेस्ट को ट्रांसफर कर लो एक ग्लास बोल में। अब आपने उसमें ऐड करना है 2 चम्मच हनी, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और साथ में आपने डाला है 1 अंडे का व्हाइट पार्ट। वो आप कैसे निकाल सकते हो, एक अंडा लिया उसमें फोक से छेद किया, सारा व्हाइट पार्ट निकल आएगा और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स कर लो। अब आपको जरूरत पड़ने वाली है एक डाई ब्रश की, वो भी आप जरूर रख लेना। आपने अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में इसको प्रॉपरली अप्लाई करना है, जैसे हम एक हेयर कलर अप्लाई करते हैं ना, वैसे प्रॉपरली आपने अच्छे से इसको अप्लाई करना है और एक छोटी सी कोम की हेल्प से बालों को प्रॉपरली सीधा भी कर लेना है। आपने इस मास्क को 45 मिनट्स टू 1 आवर तक लगाकर रखना है। जितना देर रखोगे उतना फायदा देगा आपके बालों में, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई नुकसान नहीं देगा, तो जितना लंबा रखना है रखो बिना कोई टेंशन के। जैसे टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाए, मिनिमम 1 घंटा तो रखना ही, देन आपने इसको अपने नॉर्मल शैम्पू से प्रॉपरली वॉश ऑफ कर लेना है। पहले शैम्पू के बाद आपको इतने स्मूथ, मैनेजेबल और हल्के फुल्के स्ट्रेट बाल मिलने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, आपको कोई केराटिन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, कोई बोटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये अमेजिंग रिजल्ट्स देगा आपके बालों के लिए। इस ट्रीटमेंट को आप आराम से महीने में 1 बार फॉलो कर सकते हो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आपके पास वक्त है तो महीने में 2 बार भी फॉलो कर सकते हो, आपके बालों में प्रोटीन ही जाएगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब बारी आती है इसको यूज कौन कौन कर सकता है, मेन भी यूज कर सकता है, वेमेन भी यूज कर सकता है। अगर आपकी कोई बेटी है या बेटा जिसकी एज कम है, 14-15 साल भी है, तो भी वो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई केमिकल डाला ही नहीं गया। उनके बालों से सिर्फ फ्रिज दूर हो जाएगा, स्प्लिटेंट दूर हो जाएंगे और जबरदस्त वाली शाइन ऐड हो जाएगी। तो आज इस ट्रीटमेंट को ट्राई करो और अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो, ताकि जो बाकी व्यूअर्स देख रहे हैं ना, वो भी और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमें बोटॉक्स कराना ही नहीं है, हमें यही ट्रीटमेंट कराना है। ये ट्रीटमेंट आपके घर के डोर स्टेप पे होगा विदाउट एनी खर्चा और कोई इसके आगे प्रिकॉशंस भी नहीं है। जो शैम्पू यूज कर रहे हो, जो कंडीशनर यूज कर रहे हो, जो सिरम यूज कर रहे हो, वही कंटिन्यू करो, कोई फालतू खर्चा नहीं करवाएंगे, ना ट्रीटमेंट का खर्चा है ना आफ्टर का खर्चा है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के शेयर करो जो परेशान है कि मेरे बाल मैनेजेबल ही नहीं है और बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, ये वीडियो उनके लिए किसी मैजिक से कम नहीं रहने वाली। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।